बेचारी अभागिन, जन्मी नहीं कि मां का देहांत हुआ, होश भी नहीं संभाल पाई थी कि पिता का स्वर्गवास हुआ। जैसे तैसे पलती रही, फिर छोटे भाई की बहू बनकर इस हवेली में आई। दुर्भाग्य ने उसका फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। 2 वर्ष होने होते हुए विधवा हुई। मेरे एक लौते बेटे के सहारे बेचारी जी रही थी। कितना प्यार करती थी उसे, वो भी तो उसके बगैर एक पल नहीं रहता था। हरदम काकी माँ कहते उसके साथ खाता पीता था। जीवन भी कैसा, न बुखार न कोई बीमारी, इस मूसलाधार बारिश में एकाएक उसकी मृत्यु। चलो, बेचारी ने छुटकारा पाया। विधु, ओ बनमारी, छोटे बहू की अचानक मृत्यु हुई है। अपने और 2 ब्राह्मण साथियों को बुलाकर इनकी अंतिम संस्कार कर दो भाई। हरि बोल, 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 हरि बोल। कैसा अंधेरा है, एक तारा भी नजर नहीं आ रहा है। आज जैसी बारिश न जिंदगी में देखी न सुनी। लालटेन तो ठीक से पकड़ो, पैर लड़खड़ा रहे हैं, कहीं अर्थी न गिर पड़े। चलो, किसी तरह पहुंच ही गए। ये क्या, डोम कहाँ मर गया? अंदर कोठी में न लकड़ी न डोम। लकड़ी के बगैर कैसे होगा? अच्छा, तुम दोनों यहां ठहरो, हम दोनों जाकर तुरंत ही लकड़ी का इंतजाम करते हैं। गए और आए, बस। चलो भाई, जल्दी करो। घंटे भर से अधिक हो चुका, क्या अभी तक लकड़ी का इंतजाम वो लोग नहीं कर पाए? कैसी भयानक रात है, बाप रे बाप। हाँ? ये कैसी आवाज? हाँ? अरे अरे, जैसे अर्थी चरमरा रही हो। राम नाम जपो। श्री राम, श्री राम, अरे श्री राम, श्री राम, श्री राम। कोई कराह, लालटेन भी नहीं है हमारे पास, क्या आफत है। अरे भागो, भूत 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 भूत। कैसा असह्य दर्द। ओह माँ, दीदी, ओ दीदी, ये क्या, कोई भूत था क्यों नहीं? ओह हे भगवान, कहाँ हूँ मैं, कितना घोर अंधेरा है। दीदी, बबलू, दोनों से एक बार, सिर्फ एक बार, ये कहाँ हूँ मैं? वही पुष्करणी, वही बटकाज, पुण्यतिथि के अवसर पर यही उसी पुष्करणी की उस छोर पर आकर हम सबने स्नान किया था। तब अचानक धुआं दिखाई पड़ता तो कितना भयावह लगता वो दृश्य। मृत्यु, स्मशान, मेरी मृत्यु हुई है, अब मैं कैसे लौटूं निकल? मेरे अंदर प्रेत आत्मा है, वही बोल रही है। प्रेत आत्मा तो भटकती रहती है, अब मैं जीवित नहीं, भूत हूँ, भूत। अगर मैं घर जाऊं तो यह मंगल अकल्याण होगा, पर मैं स्मशान की कोठरी में आई ही कैसे? कौन ले आया मुझे इस जगह? लाने वाले लोग कहाँ पर? हाँ, ये रोशनी से जगमगाती हवेली, जो भी हो, अब मुझे इस लोक में रहने का कोई हक नहीं है। मैं भीषण, अति भयावह, अकल्याणकारी हूँ। मैं जहाँ चाहूँ संचार कर सकती हूँ, संचार कर सकती हूँ। अरे ओ विधु,
कहां भागे भागे जा रहे हो? जरूर हमें लौटने में समय लगा, लकड़हारे को खोजने में देर लगी भाई। आते ही होंगे लकड़ी लेकर। हैं? क्या हुआ? क्या तुम दोनों को कांप क्यों रहे हो? हमने भूत देखा, भूत, उसकी आवाज सुनी, मुर्दा मुर्दा, वो रहा। बरमानी ने भी देखा, हाँ, उसने करवट बदली। नाना बाबा नाना, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। अरे, क्या कहते हो तुम लोग? आज तक ऐसा सुना नहीं, शर्म नहीं आती मनगढ़ंत बातें कहने में? अगर मुर्दा किसी जानवर ने, और तो और शारदा बाबू से क्या कहोगे? चलो हम चारों मिलकर चलें। पता नहीं था कि तुम लोग इतने डरपोक हो। है? ये क्या, सिर्फ खाली अर्थ? बाप रे, कोई जानवर तो नहीं उठा ले भागा? बात ही बड़ी करो भाई लालटेन की। देखें, अगर किसी जानवर के पथ चिन्ह दिखाई देते हो तो ना, कहीं भी तो दिखाई नहीं देते। वो देखो, वहां 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 उस तरफ स्त्री के पांव के निशान है। मैंने कहा तो माने नहीं, डरपोक कह रहे थे हमें ना, पर शारदा बाबू से क्या कहेंगे जाकर? लेकिन उसके पहले लकड़हारों से क्या बोल देंगे? अंधेरे की वजह से कोठरी में रखी लकड़ी नहीं देख सके, और तो और मृतदेह इतनी मूल्यवान चीज तो नहीं है। चलो घर चलें। बाबा रे, क्या करूं, अब नहीं चला जाता। कैसी दलदल, कदम उठाए नहीं उठते। भोर होने को है, लेकिन मैं तो प्रेत आत्मा हूं, भूत हूं। लोग हमेशा भूतों से और भूत लोगों से डरते रहे हैं। अगर कोई मुझे इस दुर्दशा में देख ले तो पत्थर मार मार कर उस पार भगा देंगे, पागल समझेंगे। और मैं माँ, माँ, इस हालत में भी तुम्हें देखने से लगता है कि तुम किसी खानदान की कुल वधू हो। बेहाल सी क्यों इस निर्जन पथ में भटक रही हो? बोलो, कहो, कहाँ जाना है माँ तुम्हें? कुल वधू, निर्जन पथ। हाँ हाँ, चलो माँ, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। बोलो, कहाँ, किस तरफ है तुम्हारा घर? घर नहीं, मेरे संसार में कोई नहीं है, मैं इस लोक की नहीं। हाँ, एक सहेली है मेरी बचपन की, निशिंदापुर में श्रीपत बाबू के यहाँ। अच्छा अच्छा, चलो चलो माँ, चलो, मैं कलकत्ते जा रहा हूँ, रास्ते में ही पड़ेगा निशिंदापुर। उठो उठो, रो मत रो मत, चलो। अरे बीनू, तुम अचानक कैसे? दो चार रोज पहले ही तुम्हारा पत्र मिला है, उसमें तुमने आने के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। सोचा भी नहीं था कि हम दोनों सखियां फिर से मिलेंगी। अरे अकेली हो? ससुराल वाले क्या बाहर ही छोड़ आए हैं तुम्हें? जाने दो उन लोगों की बातें, आखिर ससुराल वाले और क्या करेंगे, रात दिन नौकरों की तरह। जाने भी दो, तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह दे दो, काम काज में हाथ बटाऊंगी। अरे तुम भी कमाल करती हो, काम धाम कैसा, खूब घुल मिल कर रहेंगे हम दोनों। ऐसा लग रहा है कि बचपन फिर से लौट आ रहा है। चलो स्नान कर लो,
तब तक मैं तुम्हें माया? अरे कौन? श्रीपद भाई, मैं भी आती हूँ स्नान करके। माया तुम्हारी सहेली, मैंने सिर्फ दो चार बार नाम सुना था उसका तुम्हारे ही मुंह से। पर्दा वर्दा नहीं करती शायद पुरुषों से? कैसी घूर घूर कर देख रही थी। खैर जो भी हो, उसका अपने घर में आना रहना मुझे भया नहीं। तुम नहीं मानोगी पर क्या? रुक क्यों गए? कहो, बोलो। मेरा कोई आया नहीं कि बस तुम्हारे? ओहो, बात ये नहीं है माया, वो कुछ परेशान सी लगी मुझे, कुछ अजीब सी घबराहट अंतर्द्वंद में मन ही मन छटपटाती, जैसे कोई अनदेखी बातों से मुक्ति पाने के लिए दिल ही दिल में छटपटा रही हो और जितना उसमें से निकलने की कोशिश करती हो उतनी ही फंसती जाती हो। मैं सहमत नहीं हूँ तुम्हारी इन बातों से। ससुराल वालों ने काफी दुख दिया है, बेचारी बुखलाई सी है। मेरे पास चंद दिनों में हालत सुधर जाएगी। बेचारी सुख तो कभी देखा न भोगा। खैर जो भी हो, मुझे आसार ठीक नहीं नजर आ रहे। फिर भी तुम जैसा उचित समझो। आप हम औरतों की मानसिक स्थिति नहीं जान पाओगे। पुरुष हो ना, जानते हो उसकी जेठानी बड़ी कर्कशा है। एकमात्र बेटा है उसका, उसके जन्म से ही बेचारी बीमार है। वो उसके बेटे को अपना ही मानकर रात दिन कष्ट उठाए हैं बीनू ने। होगा होगा, मैं इनकार नहीं करता। जैसे नसीब का लिखा होता है भुगतना पड़ता है हर एक को। पर तुम मानो ना मानो, तुम्हारी सहेली का व्यवहार मुझे आम लोगों की तरह नहीं लगा। हाँ हाँ, आता हूँ आता हूँ। शायद पार वाले घर से धीरेन बुला रहा है। हाँ। मैं आता हूँ। दस दिन हुए, बीनू पहले जैसी घुल मिल नहीं पा रही है। अकेले रहने में डरती है, हर समय डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहती है, खोई खोई सी। पता नहीं उसके मन में, उसके मन में ये कौन चीखा? कौन चीखा? ये बीनू है, चलो चलकर देखें। आओ आओ। बीनू बीनू, लो लो पानी पियो, उठकर बैठो। हाँ, कैसा लग रहा है? घबराहट कुछ कम हुई? लो लो पंखा जलती हूँ, सारी पसीने में भीग गई है। अकेलेपन से, अकेलेपन से डर गई थी क्या तुम? आखिर कुछ तो कहो बीनू। कुछ नहीं माया, है ठीक हूँ। अच्छा, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तुम जाओ माया, मैं अब ठीक हूँ। तुम जाओ। जीवन और मृत्यु के बीच की खाई, उसमें पल प्रतिपल धंसती मैं, न जीवन न मृत्यु, कितना अजीब है। जीना चाहूं भी तो कोई मानेगा नहीं, कहेगा प्रेतात्मा भूत पिशाची हो। पर जीर्जी ने मुझे मृत समझा ही कैसे? क्या कोई षड्यंत्र? मेरा बबलू मेरे लिए रो रो कर सूख गया होगा, कौन उसकी देखभाल करता होगा? जेठानी जी तो बीमार रहती हैं, स्वयं को देखेंगी या उसे? अगर मैं वापस लौटूं तो? नहीं, जोग माया मेरी बचपन की सहेली, पर उससे भी तुम्हें पहले जैसी घुल मिल पा नहीं रही। जीते जी मृत्यु ने कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है मेरे और औरों के बीच। कैसा अंतर है, जिसका फासला काटे नहीं कटता, वो अपने संसार में तन मन से घुल मिल गई है और मैं एकाकी शून्य छाया। न उसके काम धाम में हाथ बटाने को जी चाहता है न कुछ।
महीने बीते, इसके घर से कोई पूछने तक नहीं आया, ना ही ये घर जाने का नाम ही लेती है। मेरी बचपन की सहेली हुई तो क्या, इसी एक बहाने से जन्म भर यही डटी रहेगी। अच्छी होती तो शायद सोचते, पर नौकर चाकर भी अब तो घर भर में भूत प्रेत देखने की बातें उड़ा रहे हैं। कैसी आपत्ति मोल ले ली है मैंने भी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर तुम्हें कोई उपाय सूझता हो तो बताओ। सुनो सुनो, इस आधी रात में तुम्हारी सखी किवाड़ खटखटाकर तुम्हें बुला रही है। शांति से पड़े रहो, बोलो मत, अपने आप कुछ समय के बाद चली जाएगी। इसका पागलपन दिन बा दिन बढ़ता जा रहा है। दीदी, ओ दीदी, मैं पांव फाड़ती हूँ, किवाड़ खोलो दीदी, मैं अकेली नहीं रह सकती, बड़ी घुटन हो रही है, मुझे अकेले मत छोड़ो, मैं पांव फाड़ती हूँ तुम्हारे, खोलो दीदी खोलो। ओ, ओ, दिन तो दिन, पर आधी रात को भी चैन से सोने नहीं देती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। चाहे जो भी हो, आज उसे हरगिज अपने कमरे में नहीं सोने दूंगी। हाँ। पहले किवाड़ तो खोलो, वरना सारा घर जाग जाएगा। ना दिन देखा ना रात, कैसी औरत हो तुम, आधी रात दरवाजा खटखटाती हो। कितने महीने गुजरे, अपने घर जाने का नाम तक नहीं लेती। निश्चय ही ऐसे कुलच्छन देखकर निकाल दिया होगा घर वालों ने तुम्हें। जब से आई हो सारे घर की शांति नष्ट हो गई है, न खुद चैन से रहती हो न हमें चैन लेने देती हो। जो भी हो माया, ये समय डांटने का नहीं है, उसे जरूर कुछ तकलीफ हुई होगी। अपने कमरे में न सही, पास वाले कमरे में ही उसे सोने दो। कितनी दयनीय लग रही है, बेचारी बेसहारा है, बगैर कुछ इंतजाम किए उसे घर से निकालना भी ठीक नहीं होगा। मैं स्वयं रानीहाट जाऊंगा, शारदा बाबू से मिलूंगा, तब तक उसे यहीं रहने दो। पता नहीं इस आपत्ति का बोझ कब तक ढोना पड़ेगा। खैर, जाओगे तब पूरी तरह पूछताछ करके आना, जहां तक बन पड़े ले जाने की बात पर ही जोर देना। हाँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, सुन रही, कान खोल कर सुन, अब तेरा यहाँ रहना उचित नहीं, समझी। लोग बाग क्या कहते हैं कुछ मालूम है तुझे। लोगों से मुझे क्या लेना देना, मेरा उनसे किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है। क्या, औरों से कोई वास्ता नहीं, लेना देना नहीं? बेशक नहीं होगा, पर हमारा तो इसी संसार वालों से हमेशा रिश्ता नाता रहा है। जो भी हो बिनु, तुम बड़े खानदान की बहू हो, उन्होंने तुम्हारे साथ जैसा भी बर्ताव किया है हक तो उन्हीं का है, तुम्हें उन्हीं से वास्ता रखना पड़ेगा। आखिर कब तक मेरे घर में पड़ी रहोगी? ससुराल, मेरा मुझे वास्ता रखना पड़ेगा? कैसी अटपटी बातें कर रही हो माया, मेरा कोई ससुराल ससुराल नहीं है। अरे करमजली, क्या कह रही है तू बेशरम, खामखा मैं भी अपना दिमाग खपा रही हूँ। रानीहाट से लौट आए तभी सारी उलझने सुलझेंगी। हाँ, मेरा तो किसी से कोई नाता नहीं, न तुमसे न इस लोक से, शायद बेनाम लोकवासनी ही रहूंगी, छाया मात्र छाया। समझ नहीं आता कि ईश्वर ने मुझे इस हालत में जीवित रखा ही क्यों, मेरी वजह से ही सबका मंगल हो रहा है। कुछ समझ नहीं आता मेरा सिर्फ तुमसे ही संबंध क्यों रहा, पता नहीं क्यों मन आत्मग्लानी से भर उठता है। और तब माया तुम ही को याद करती हूँ, तुम्हारी ही याद आती है, और घूम फिर कर मैं तुम्हारी ही शरण आती हूँ। बेबस हूँ सखी, मुझे समझो, मुझे समझो, मुझे समझो। शायद अब भी बड़बड़ा रही है, सोचा था अकेली रहेगी तो कम से कम चुप बैठेगी, कैसी बेसर पैर की बातें कर रही है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। बेचारी की हालत पर तरस भी आता है और चिड़ भी। कुछ भी हो शीघ्र ही निर्णय करना पड़ेगा।
लगता है आज की बारिश और रात का कोई अंत नहीं। उस पर शारदा बाबू की बातें सुनकर मन शून्य हो गया है। अजीब घटना है, घोर अंधेरा, मूसलाधार बारिश और भूत, यह कुदरती देन है। कुछ समझ में नहीं आता, कहीं मेरी भी हालत कादम्बिनी जैसी न हो जाए। दीदी समझ से काम लेना होगा, हाँ वरना वरना घर में हंगामा मच जाएगा। आ गए आप, कब से आपकी राह देख रही हूँ, क्या खबर लाई हो? मेरा तो सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है, ईश्वर ही जानता है ये 4 दिन मैंने कैसे काटे। बोलो बोलो, क्या कहा शारदा शंकर बाबू ने? ओ माया, बहुत थका हुआ हूँ, पहले हाथ पैर तो धो लूं, खाना खाने के बाद सब बताऊंगा। अरे मैं भी भूल गई, आप इतनी दूर से आए हैं और मैंने शुरू कर दी अपनी आप बीती। आप हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं थाली लगाती हूँ। क्यों, क्या बात है, आप ठीक से खा नहीं रहे, परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है? अरे बिना कुछ बोले ही उठ गए। तुम खाना खा लेना, मैं सोने जा रहा हूं, बाद में बात करेंगे, पहले तंबाकू खा लो। कितनी देर करवटें बदलते रहोगे, तुम्हें भी तो नींद नहीं आ रही है, उस पर मुझसे तो बगैर सुने रहा भी नहीं जा रहा। रात बीतने को है, बताओ ना क्या कहा शारदा बाबू ने? माया निश्चय ही तुमसे भूल हुई है। भूल, भूल मुझसे? कभी नहीं, मैं पुरुष थोड़ा ही हूं जो कदम कदम। गाड़ी तो रोको अपनी ना, क्यों पुरुष जाति को बदनाम करती हो? जब मैं कह रहा हूं कि तुमसे भूल हुई है तब हुई है। बदनाम नहीं, देखी परखी बातों के सहारे कहती हूँ, कोई भी बात क्यों ना हो, स्त्रियां हमेशा सावधान चौकन्नी रहती हैं। जो भी हो, खैर बताओ ना कैसी भूल हुई माया? जिसे तुमने अपनी सहेली समझकर घर में स्थान दिया है ना, वो कादम्बिनी नहीं है। हाँ? क्या कह रहे हो तुम, क्या मैं अपनी बचपन की सहेली को नहीं पहचानती? छी छी, मानव जाति में भी कोई असली नकली पाया गया है? जरा विचार करो, कहीं तुमसे भूल हो रही है। पागल जैसी हंसो मत, बड़ा नाज है अपने पर। बात असली नकली की नहीं हो रही है माया, जो रूप है उसे देखकर हर एक को समझने की क्षमता होनी चाहिए। जो कह रहा हूं उसे खिलवाड़ मत समझो। सुनो, ये तुम्हारी बचपन की सहेली कादम्बिनी नहीं है। वो तो कब की मर चुकी। मर चुकी? क्या कहते हो, धन्य हो तुम, कहाँ जाना था और पता नहीं कहाँ चले गए तुम। क्या सुना और क्या कह रहे हो, पता नहीं कहाँ भटक गए हो तुम। खैर बेकार ही उनके घर गए, पत्र लिख देते तो संदेह दूर हो जाता। आप ओफो, तुम समझती क्यों नहीं, शारदा शंकर बाबू ने स्वयं कादम्बिनी की मौत के बारे में कहा है। क्या वो उसके दुश्मन? उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, एकमात्र बेटा है उनका, जब से जन्मा कादम्बिनी की गोद में ही पला। वो जिस समय मरी लगातार बारिश होती रही थी, 4 उन्हीं के लोग उस हालत में भी अंतिम संस्कार कराए थे, इसमें संदेह कहां आता? अब भी उसी के जेठ ने बताया है, इससे बढ़कर और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें, बोलो। चाहे जो हो, शारदा बाबू की कही बातें हो या किसी से सुनी, मेरा मन अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। आज तक नहीं सुना कि मरा आदमी जिंदा लौट आया, और वो भी जलाने के उपरांत। अंधेरी रात और लगातार 4 दिन बारिश हो रही थी, तो उससे क्या, ऐसा तो होता ही रहता है बारिश के मौसम में। एक बात जरूर है, शायद तुम भी उसे सहमत होगी। पहले ही दिन मुझे देखकर उसने
मुझे मेरे नाम से इस प्रकार पुकारा था जैसे मुझे जन्म जन्मांतर से पहचानती हो। कैसा अटपटा सा व्यवहार, जैसे उसे तीनों लोगों का हक हो। जो जी में आया आसपास बगैर देखे सोचे बोल डाला। अब जरा तुम ही सोचो कि अगर वो तुम्हारी असली सखी कादम्बिनी ये है तो क्या नौकरों चाकरों के सामने ऐसा व्यवहार करती? बात तो कुछ हद तक सही है। जरा रुको, ये लो, ये तुम्हारी सखी कादम्बिनी का पत्र, पढ़ो, आंखें खोल कर पढ़ो। शारदा बाबू ने कही तारीख से ठीक 4 दिन पहले ये पत्र लिखा था तुम्हारी सहेली ने। लिखा था कि नहीं? उसके बाद कोई पत्र मिला तुम्हें? हाँ, बाप रे, मर गए, जीते जी मर गए। मैं नहीं, सारा घर बर्बाद हो गया। वो कादम्बिनी मात्र उसकी छाया, आभास। ये क्या, कमरे में अंधेरा कैसे हो गया? ये किवाड़ किसने खोले? उसकी छाया। सुनो माया, मैं कादम्बिनी ही हूँ, तुम्हारी बचपन की सखी। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। अब मैं जीवित नहीं हूँ, केवल छाया मात्र। फिर भी मृत होकर मैं संदेह ग्रस्त हूँ। तुम्हारे घर आई, बस यही एक अपराध हुआ है मुझसे। जब मेरे लिए दोनों लोक में कोई जगह नहीं रही तो तुम ही बताओ मैं कहाँ जाती। मेरा कोई अपना नहीं है। हे परमात्मा, किसकी शरण में जाऊं मैं? तू ही अब मार्ग दिखा मुझे। अब तुम दोनों को मुझे जाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। मैं अपने आप ही जा रही हूं, अपने आप ही जा रही हूं। वैसी ही रात जिस दिन मैंने अपने आप को स्मशान वाली कोठरी में पाया था, अब घर लौटने के सिवा कोई चारा ही नहीं रहा। वो रहा मेरा बबलू। हाय, कितना दुबला हो गया है। मंद दीपा लोक में केवल एक दासी मात्र उसकी सेवा में है। एक बार उसे गले से लगा लो, एक ही बार। काकी माँ, काकी माँ, मुझे पानी पिला दो। काकी माँ। बबलू, अब भी अपनी काकी माँ को भूले नहीं। मेरे लाल, मेरे लाडले, पी लो पानी। लो लाओ, मैं पिला दूँ तुम्हें। सो नहीं बेटे, प्यास बुझ गई तुम्हारी। बबलू। काकी माँ, क्या तुम मर गई थी? हाँ बेटे। अब तो नहीं मरोगी ना? काकी माँ, क्या तुम मेरे लिए फिर लौटी हो? कहो काकी माँ, अब तो नहीं जाओगी ना? बड़ी माँ, भूत कौन? कादम्बिनी, तू? अरे तुम यहाँ कैसे? हाँ दीदी, मैं ही कादम्बिनी। इतने दिन मुझे स्वयं ही पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, लेकिन बबलू की स्नेह भरी पुकार सुनकर मेरे दिल में प्यार उमड़ आया जैसे पहले आता था। अब मुझे किसी तरह का संदेह नहीं है, मैं वही बबलू की काकी माँ हूँ जो थी। बबलू की काकी माँ तिल भर भी नहीं मरी है। आप लोग मुझे देखकर डर क्यों रहे हैं? मैं कादम्बिनी हूँ, वही जो थी। अरे दीदी, अरे आप तो मूर्छित हो गई। कोई दौड़ाओ, कोई पानी लाओ दीदी। काकी माँ, तुम जाओ, तुम चले जाओ। काकी माँ, तुम चले जाओ। छोटी बहू, बहू माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बबलू हमारे घर का एकमात्र दीपक है। तुम्हारे मरने के पश्चात दिन प्रतिदिन वह दुबला होता गया, बीमार रहने लगा, तुम्हारी याद में बड़बड़ा रहा है। काकी माँ, काकी माँ, इस एक शब्द के सिवा कुछ बोलता तक नहीं था। जब इस संसार में तुम चल बसी हो, अब माया बंधन तोड़ दो, मुक्तात्मा बनो, सारे मोह पास तोड़ डालो। मैं तुम्हारा यथोचित श्राद्ध करूंगा, हमारे इकलौते बेटे का पीछा छोड़ दो। बहू माँ, मैं तुम्हें साष्टांग प्रणाम करता हूँ, साष्टांग।
जेठ जी, मैं मरी नहीं, सचमुच मैं मरी नहीं। मैं कोई प्रेत आत्मा नहीं, ना कोई भूत हूँ। देखिए, मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ जेठ जी। आपकी तरह मुझ में भी वही बहता हुआ खून है। बाबा, बाबा मुझे डर लगता है, उठा लो मुझे बाबा। मैं मरी नहीं, सचमुच मैं जीवित हूँ। आप सबकी तरह मैं जिंदा हूँ। आप मानते नहीं, आपको विश्वास ही नहीं आता, पर अब आप विश्वास करेंगे कि मैं मरी नहीं थी। अब मैं जीते जी आत्महत्या करूंगी। हाँ, आत्महत्या, तभी आपको विश्वास होगा कि मैं मरी नहीं थी, मरी नहीं थी।